ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार भक्तों, हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। हर संकष्टी चतुर्थी का नाम होता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत वक्रतुन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार संकष्टी चतुर्थी व्रत 4 नवम्बर बुधवार को रखा जाएगा। वैसे तो सभी संकष्टी चतुर्थी व्रतों का विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत को करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उनके पति की लंबी उम्र होती है। संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश को अन्य सभी देवी देवतों में प्रथम पूजनीय माना गया है। इन्हीं बुद्धि, बल और विवेक का देवता का दर्जा प्राप्त है। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी परेशानियों और विघ्नों को हर लेते हैं, इसीलिए इन्हें विघ्नहर्ता और संकट मोचन भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ढेरों व्रत उपवास आदि किए जाते हैं, लेकिन भगवान गणेश के लिए किए जाने वाला संकष्टी चतुर्थी व्रत काफी प्रचलित है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के बारे में विस्तार से। क्या है संकष्टी चतुर्थी? संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन समय से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति की आराधना करता है। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा उदय होने के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरे विधि विधान से गणपति की पूजा पाठ की जाती है। कब है संकष्टी चतुर्थी? संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, वहीं अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना करने के लिए विशेष दिन माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी बहुत शुभ होती है। यह दिन भारत के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।